नमस्कार, मेरा हुनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से बहुत ही कम तेल में स्वादिष्ट नाश्ता। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी, उसके बाद लेंगे 2 मीडियम साइज़ के कद्दूकस किए हुए कच्चे आलू। इसे आप धो लें कद्दूकस करके। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ की प्याज, वो भी कद्दूकस कर ली है, और मिर्च स्वादानुसार अगर आप डालना चाहें, अगर ना डालना चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 कटोरी दही डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डाल लें। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 5-7 मिनट ढक करके रख दें। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। इनो डालने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें जिससे वो अच्छे से फूल जाए। अब गैस पर पैन रखेंगे और 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसको गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम मीडियम रखें और बैटर इसमें पूरा जितना तैयार किया है सारा बैटर डाल दें। देखिए मैंने बैटर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फैला दें और ढक करके धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देखेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है। पलट कर दूसरी साइड से भी पकाएंगे। इस तरह से दूसरी थाली में पलट लेना है। अब फिर से इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे और थोड़ी सी कड़ी पत्ती डालेंगे। अब फिर से हम अपना नाश्ता दूसरी साइड से सेकेंगे और पैन में डाल देंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे पलट कर देखेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी कम ऑयल में नाश्ता तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, share and subscribe our channel.